मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सुबह का टाइम है और जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, 1 या 2 मिनट पहले उठी हूँ। और मैं मेरे बाबू के साथ, है ना बाबू, मेरा बाबू भी मेरे साथ ही उठ गया है। ये भी देख लो सो के उठ के कैसा दिखता है। विहान इधर आओ आओ, ले लो ये स्ट्रॉबेरी, आ जाओ। देखा 71.1 मैंने कर दिया, 73.5 था, 72 73, करीबन 2.5 किलो मेरा वजन कम हो गया है 10 दिन में। तो मैं अपने आप पर मेहनत कर रही हूँ, मैं चुपचाप मेहनत कर रही हूँ, आपको बस जल्दी जल्दी से रिजल्ट दिखाऊंगी। सुबह उठ के ना, सुबह सुबह उठ के मैं ना बाल कॉम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम मिले ना मिले, फिर बस एक बार ये सुबह उठते ही मेरा ब्रश भी मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ। ये देखिए आप, मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी, मतलब बालों के ऊपर, मैं को बहुत सब बोलते हैं बनाओ आप। हो गया बाल बाल ये, और कमरे की सफाई करूंगी अच्छे से, लग के करना है, सेट करना है सब कुछ। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगी ना, तो आज शायद आज जाऊँ, कुछ बुक्स खरीद के लानी है और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। मुझे अलमारी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा सामान ना सारा देखना, कपड़े वगैरह होता है मतलब बिखर जाते हैं मेज पे, मतलब अलमारी में क्या है ना, सेट होके ढंग से एक जगह लग जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ, और मार्केट वगैरह चक्कर लगेगा तो मैं अरेंज करूँगी अपने लिए, इसकी तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ये आप देख लीजिए, मैं ना इसमें विहान के कपड़े रखती थी, तो मैंने विहान के ना जितने भी कपड़े हैं सारे के सारे सर्दियों के रखे हुए हैं इसमें, और गर्मियों के अभी तक मैंने विहान के लिए कुछ खास कपड़े लिए ही नहीं है, सिर्फ उसके पास 3 टी-शर्ट हैं और 4 पैंट हैं, बस इसी में ही मैंने उसका पिछला 1 महीना निकाल दिया है। और मुझे उसके लिए एक बार दिखते रहते हैं ना, सर्दियों के इतने पड़े हैं तो मेरे को लगता है कपड़े तो हैं इस विहान के पास, और ये पहना सकती नहीं हूँ अभी इस विहान को, तो मैं सारे के सारे कपड़े हैं इनको तय करके बेड में लगा देती हूँ। अभी आज काम करना है, थोड़ा घमरा सेट करूंगी ढंग से आज, शायद आज कल मेरी एक बात भी हुई थी, एक यूट्यूबर है उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, बोलते कि आप मिलने आएंगे, वो नैनीताल में रहते हैं वैसे, तो मैंने कहा मेरे को फिर टाइम नहीं मिलेगा ना अगर वो आ जाएंगे, तो फिर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक काम सेट करके रख देती हूँ। इस डब्बे में ना मैं सारे कपड़े विहान के ना इसमें डाल देती हूँ, तो अब इसमें से मैं जो सर्दियों के कपड़े हैं वो अलग कर रही हूँ, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं डब्बे में डाले जा रही हूँ ताकि थोड़े से मिल जाएं। सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े अलग कर लिए हैं, देखो इतने कपड़े बचे हैं विहान के पास, इनमें से भी कुछ छोटे हो चुके हैं, तो अब पता चल रहा है कि विहान के लिए कपड़े लेने हैं। यहाँ पर मैं अपना बेड साफ कर रही थी, तो मैंने यहाँ से तकिए उठा के यहाँ जमीन पर रख दिए थे, और ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ था बेड पर से, वो भी मैं उठाने लग रही थी। तो जैसे मैं सुबह जैसे सोकर उठी थी ना, तो उसके बाद मैंने बेड नहीं बनाया था, तो मैं अभी इसको ठीक कर रही थी, तो यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे बेड पर, तो मैंने उनको ना तय करना शुरू कर दिया था, मैंने सोचा इनको एक बार तय करके लगा लेती हूँ, और यहाँ पर आप विहान से मिल लीजिए। मैं इस तरीके से ना विहान को लेटा देती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, और तकिए लगा देती हूँ, जिससे ना विहान का मतलब थोड़ा डर नहीं लगता,
तकिया लगा लूँ ना, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको भी पता है थोड़ा सा मतलब चलने लग गया है, थोड़ा गुडड़िया चलने लग गया है ना। तो यहाँ कुछ सामान था जो उठा रही थी, कुछ टॉयज थे विहान के जो बेड पर रखे हुए थे, जो विहान खेलता रहता है दिन में तो होते हैं उसके पास, तो ऐसा ही हो जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका जो कमरा होता है जल्दी से बिखर जाता है। तो आज मैं कर रही थी, फिर मुझे जाना था तो बस थोड़ी सी सफाई में लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने एक सामान जो भी था बेड पर से वो उठा दिया था। ये अभी भी रजाई आप देखिए, यहाँ पे ना कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है, यहाँ जहाँ हिसार है ना ये थोड़ा ना राजस्थान की तरफ लगता है जगह, तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी। तो अभी इस टाइम जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जैसे कभी कभी बारिश आती है जैसे अभी रिसेंटली आई थी ना, तो यहाँ पे ना मौसम थोड़ा ऐसा हो जाता है, रात को हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है। और मैं ओडू ना ओडू पर बच्चा है ना छोटा, उसको तो थोड़ी सी ठंड लगती ही है। और आप देखो मेरी चादर पे अभी थोड़ा सा चूचू भी किया हुआ है, गिल्ली हो रखी है, ये विहान ने किया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी जो रजाई है ये छोटी सी, इसे एसी कंफर्टर भी बोलते हैं, मतलब पतली सी होती है, ज्यादा मोटी भी नहीं, जैसे हल्की फुल्की ठंड के लिए होती है। तो यहाँ कुछ चादर थी जो कि मैंने तय करके यहाँ पर रख ली थी, ये तकिए हैं। मैंने बेड झाड़ लिया था, बस अब झाड़ू रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं अब कमरे में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। यहाँ कुछ पानी की बोतल्स थी जो रखी हुई थी, जो मैंने उठाकर मेज पर रख दी थी, और मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग रही हूँ कमरे में से। तो बस यही एक काम रह रहा था, तो बस हो गया था। आप देख लीजिए थोड़ा सा मैं मेज के नीचे से भी झाड़ू निकाल रही हूँ, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा तो गंदगी नहीं है, कमरा साफ ही था, पर ये थोड़ा जो होता है ना रूटीन का डेली का जो थोड़ा सा निकलता है कूड़ा कचरा, बस वही निकल रहा था नॉर्मल वाला। तो आप देख लीजिए कमरे की सफाई हो गई है। मैंने कर ली है, अच्छे से थोड़ा सेट कर लिया है मैंने कमरा, उसके बाद अब मैं सुबह सुबह मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा रही हूँ। खाने में आप मेरा खाना देख लीजिए, इसमें दही है, चावल है और हरे धनिए की चटनी है, तो ये काफ़ी हेल्दी खाना है क्योंकि इसमें कुछ घी तेल नहीं डला हुआ है, और वेट लूज रेसिपी है, और मैं काफ़ी डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। तो मैं खाने का पोर्शन भी आप देख लीजिए, मैं थोड़ा ही लेती हूँ, तो आप भी खा लीजिए, थोड़ा सा आप खा लीजिए मेरे साथ, ले लीजिए आप भी लीजिए, मैं ले लूँ खा लूँ। अच्छा अभी उन जो यूट्यूबर दीदी है उनका फोन आया था, उनको अभी 2 घंटे और लग जाएंगे, वो आ रस्ते में है। और आपको एक चीज दिखाऊं, बिहार ना ये चीज मांगने के लिए बहुत ज्यादा, देखना देखना ये क्या है, आपको दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट, आपकी ना बचपन की जो यादें हैं वो ताजा होने वाली हैं। ये मुझे एक है मेरे सब्सक्राइबर है वो देकर गए थे, ये देखो है ना, खट्टी मीठी सी गोलियां होती थी, कितनी यम्मी यम्मी होती थी। जी तो मैं तैयार हो गई हूँ
और मेरे कपड़े आप देख लीजिए, और आप खुद देख लीजिए आप सब। मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं कर रखा है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, वो भी ढंग से नहीं लगी है, और थोड़ा सा काजल है और आईलाइनर है। इसके अलावा मैंने चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगाई है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी नहीं लगा रखा है। मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसा। और इसके अलावा जो मेरे को उठ पटांग बातें बोलते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो मुझे पता है वो कौन बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो आप नहीं हो, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसा कभी नहीं बोलते, वो मेरी फैमिली है। पर जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा पूरा टाइम चल रहा है, सुनना है तो सुन लूंगी, सबकी सुनती हूँ, सुन लूंगी मैं। तो इस बारे में मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस चीज को ना आगे नहीं मतलब खींचना चाहती हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है। ठीक है, मैंने ये बात बोला है ना कि चलिए चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।